में तो जावा रंगीली उठे भाई विक्रम जी कर हो कम दीजो मोटी मामी जम गोट के माय अरे उजड़ केड़ो पाछो प्रसम सत वो जुगो मान्याव मामी सुन लो मां की ये बात हे 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 बात जब देव महाराज ने इसी बात बताई कि मामी साहब माने हंस करके हुक्म दीजो आपसे मारू निवेदन है। अब मामी कहीं कही रही हाँ? कि बाने जिला अभी मत जाओ। मामी ने विचार करी हो जाएगा तो सही, यो मानेगा है नहीं। बाकी जाता जाता से यश लैला को यश का पात्र नहीं बना। ऊपर का भाव से कही ला मामी केवल आगी बाणेज लाल वहां जाए के कहीं करोगा सारा खेड़ा उजड़ पड़िया लाल जी आप मानो। देव महाराज ने कहा नहीं मामी साहब अब मारो मन अटेन नहीं लाग रही कुण कुण जाई रहा। मामी ने पूछी के कुण कुण जा रहा हो या तो को। देव महाराज ने कहा मामी साहब हाँ मेरी माता भी जा रही है नाग कन्या भी संग जा रही है और मारी 9,80,000 गाय भी तो जाएगा। मेरे ग्वाल भी जाएंगे छचू भाड़ जी भी जाएगा। मामी ने विचार करियो ई भले सब जावा दो मन को मन में विचार करियो कि ई भले सब चली जाए पर गाय ग्वाल नहीं जाना चाहिए क्योंकि गाय और गुवाल चलिया जाए तो मारा करे तो बाड़ा छनियाड़ा खाली हो जा। मामी बोली बाणेज लाल अभी रुको अभी 2-4 साल तो रुको। देव महाराज ने कहा नहीं मामी साहब मारो मन अटे नहीं लगे। मामी ने विचार करियो यो जाएगा तो बाड़ा छनियाड़ा खाली हो जाएगा। मामी बोली बाणेज लाल मामी ने विचार करियो ने जिंदो जाबे ही नहीं था अबे भानेजलाल आप 12 साल से माना करे रही रिया पर अभी तक आपने खीचड़ो नाश्तो फरियाल रूप में कहीं भी नहीं करियो।
जाता जाता मारा घरे थोड़ो बहुत खींचड़ो जीवी जाओ तो घनी आछी बाते। भगवान देव नारायण केबा लगा कि ठीक है मामी आपकी स्वेच्छा आपकी आज्ञा और माने जलाल नहीं माने आखी जिंदगी को मान रही रिओ अतरा दल को राबे जातो जातो कोई नहीं मानू मानू हम तो क्या माने जलाल आप बसो करो कि मारा घरे थोड़ो बहुत नाश्तो कर जाओ। मामी को बिचारियो है के का खिचड़ा में जेर मिले दूंगा जेर जाता जाता है जो यो यही समाप्त हो जागो तो गाया अटे ही रह जाए ग्वाल भी अटे ही रह जाए। जब उसी समय मामी के बाला की बाने जलाल 12 साल हो गया तुम जीमिया बना मत जाओ। देव महाराज ने कहा मामी खिचड़ो तो बनाओ पर एक थाल में मत बना जो जदे दो थाल में क्यों मारा बाट जी भी मारा शांत में ही जीमेगा। ठीक है अब मामी ने खिचड़ो बनायो नाश्ता रूप में बनायो थोड़ो बहुत सचू बाट जी भी भगवान देव नारायण के साथ में दोई का आसन लगाया दोई की थाली पास में आई आसन पे बैठी भी गा देव नारायण भगवान के कांसा का बाना में देखो जो है मामी जी ने खिचड़ो परोसियो। सचू बाट जी के भी थाली दर दी अब दोई की थाली जैसी सामने आई बाट जी बोलियो नारायण हाँ तुम्हारा पिताजी का बारा में मुंह बड़ा बड़ा रजवाड़ा में जातो थो बड़ी बड़ी बैठक में जातो थो बाकी रीत करो तो तुम्हारा पिताजी कई बारा की करो तो भोजन जीमू नहीं तो यो खींचड़ो नहीं जीम सकुआ। देव नारायण भगवान ने पूछा कि मारा पिताजी का बारे में कई रीत चलती थी या बताऊ नी बाट जी। सचू बाट जी के बाला गो तुम्हारा पिताजी का बारा में मारा पास की थाली तू भी लेता रोड का पास की थाली मो देता तो रीत करो तो वही यो कांसा को बनवाई देनो पड़े बंदाए अरे हमार गण की थाली तब लो। देव नारायण भगवान बोलिया बाट जी जो ये रीत है नी या पुराना पुरानी था कि माँ का पिता का बारा की हाँ या माँ अपना घर बापरांगा ना बापर पा में लंबा हो जाओगा यो मोटी मामी का घर को नाश्तो है जय हो ये साधारण नहीं नाश्तो साधारण मत मान जो है क्योंकि मामी साहब ने भगवान देव नारायण की ही थाल में जहर मिलाया था चचू बाट जी की थाल में नहीं मिलाया था। बाट जी बोलियो क्यों के मु सही कह रियो जोगनी का पेट में से एड़ी के तुम्हारे लायन जिंदो करियो हो और अबे मर जाओ तो मार से जिंदा नहीं होगा। सचू बाट जी बोलियो मर बार सर को काम नहीं करनो थे था केर मु मां के जीमो अपने अपने ही जय हो। नारायण भगवान ने एक ही निवालो आरोग्यो और कर कहीं से मोटा मामा जी आ गया। देव नारायण भगवान ने विचार करी जाता जाता नी मामी क्या बे आत्मा बाली जलो। नारायण भगवान ने कहा मामा जी हाँ माने लाल अपन तो ही माम माने जा आज तक एक थाल में नहीं मिया आओ आज तो एक थाल में बेले जी माँ। मामा जी सीधा स्वभाव का था विचार करियो आज जई भी रियो है और 12 साल को हकीकत में आज तक हम दो माम बाने बेले नहीं जीमिया आज जीमी लो। मामा जी सीधा स्वभाव का कहते ही के बैठ गया। मामा जी ऐसे करी निवाड़ो मुंडागण लेकर मामी ने विचार करियो कि मरा यारे यो बाण जो मरे मारो तुम्हारो ही चूड़ो फोड़ा हो आई दौड़ी भागी महल में से जब आकर के
मामा जी देवनारायण भगवान का निवालो यूं करी मुंडा गणी लई जई रिया था, मामी ने हाथ पकड़ लियो। का वो हाँ बोलो सो बामण देख बाणे बाणे का सांच में तम बेले जी मिरिया का वो दोष लागे नहीं। देवनारायण भगवान ने विचार करियो वावो धर्मात्मा नारायण ने विचार करियो मामी ने जेर तो मारे लाने बनायो मामा साहब क्यों बेकार में परेशान करूं। अंतरियामी कहीं तू मामी का महल में आखरी मनवार आरोप लिया है जहर हरे खींचड़ा वाली और कई बात होवे है दखा